बागपत में अब होगा चूहों का भी एनकाउंटर। अब चूहों की खैर नहीं, क्योंकि चूहों का भी होगा अब एनकाउंटर। सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह 16 आने सच है। जी हां, बागपत में कृषि विभाग ने जिम्मेदारी ली है कि वह खेतों और रिहायशी इलाकों में हो रहे चूहों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए उन पर नजर रखेगा और उनको मारने का काम करेगा, और उसके लिए बाकायदा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों की माने तो चूहे फसलें तो बर्बाद करते हैं, बल्कि भंडारण की गई वस्तुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही संचारी रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। रिहायशी इलाकों में भी यह चूहे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसके लिए अब कृषि विभाग ने पकड़ने और मारने की तैयारी में है। दरअसल बागपत कृषि अधिकारी की माने तो चूहों से संचारी रोग बढ़ता है, चूहे खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो साथ ही भंडारण की गई बीजों को भी बर्बाद करते हैं, जिस कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। सर, बागपत में किसानों की फसल को चूहों से बचाने हेतु कृषि विभाग की ओर से अभियान चल रहा है, क्या है? देखिए, संचारी रोग अभियान शासन स्तर से शुरू किया गया है, जिसमें कृषि विभाग भी शामिल है। यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के स्तर से जो है समन्वयन किया जा रहा है। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि चूहे फसलों में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो खड़ी फसल के रूप में हो या भंडारण की स्थिति में हो। लगभग 6-10% के बीच नुकसान चूहों के द्वारा फसलों को, खड़ी फसलों को या भंडारण के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही कई ऐसे रोग हैं जो कि चूहों के माध्यम से लोगों में फैलते हैं। इनके बचाव हेतु कृषि विभाग एक जागरूकता अभियान 1 महीने का चलाए जाने के प्रयास किया जा रहा है, जिस हेतु जनपद बागपत में हमारे यहाँ 46 न्याय पंचायतें हैं और 245 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी में हमने कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से गोष्ठी का प्रोग्राम की तैयारी कर ली है, और इसके साथ साथ एक 6 दिन का हमारा एक प्रोग्राम है इसमें, जिनमें हम 6 दिन में किसानों को विभिन्न माध्यम से जागरूक करेंगे। और उन जागरूक करने के लिए जो पहला दिवस हमारा होगा, उसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ चूहा, चूँकि बहुत ही चालाक प्राणी है, तो इसके लिए एक 6 दिवसीय योजना बनाई गई, जिसका हम प्रचार प्रसार कृषकों के मध्य कर रहे हैं, कि पहले दिन जो है आवास, घर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर बिल बंद करेंगे। जब बिल बंद हो जाएगी तो दूसरे दिन जब हम उसका निरीक्षण करेंगे तो जहाँ जहाँ बिल हमें खुली पाई गई, हम उनको चिन्हित कर लेंगे, और खुले बिल में सरसों का तेल और भुने हुए चावल या चना रख देंगे, और इसमें अभी रख देंगे, और अगले दिन जब हम तीसरे दिन इसको देखेंगे फिर वही चारा रख देंगे। उससे चूहे को ये लगेगा कि ये हमारे खाने की वस्तु है। फिर चौथे दिन हम जिंक फास्फाइड 80% 1 ग्राम मात्रा 1 ग्राम सरसों के तेल में मिलाकर 48 ग्राम भुने दाने में बनाए गए चारे को रख देंगे। जब चूहा इसे खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगले दिन, पांचवें दिन, जब हम बिलों का निरीक्षण करेंगे तो मरे हुए चूहों को एकत्र कर जमीन में गाड़ देंगे, और छठे दिन बिलों को पुनः बंद कर देंगे, तथा अगले दिन यदि बिल खुले पाए जाएं तो पुनः यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। खेतों के अलावा क्या गांव घरों में भी होगी ये घरों में भी व्यवस्था? क्योंकि हम किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि जहां वो, मैंने पहले भी बताया कि हमें दोनों तरह के नुकसान है, एक तो फसलों के केस में, दूसरा भंडारण केस में। तो भंडारण में ये भी अच्छा है कि हम जो पक्की कंक्रीट के जो है वो भंडारण बनाएं, यदि हमारे घर में अभी भी कच्चे कहीं भंडारण हैं तो उनमें भी हम ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, तो ये दवाइयां हमारे लिए बेहतर रहेंगी, और यही इन्हीं के माध्यम से हम जो है इस चूहे के जो नुकसान है और घरों में ज़्यादा चूहे जो रोग फैलते हैं उनसे भी हमारे बचाव हो सकता है। और ये बात बहुत ध्यान देने की, जो चूहा नाशक दवा का प्रयोग करें तो उस समय हमें बच्चों को उसकी पहुँच से दूर रखना है, और इसके साथ साथ दस्ताने और मास्क वगैरह, क्योंकि कई ऐसी दवाइयां और गैसेस हैं जो निकलती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, तो हमें इसके उपयोग के समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन्यवाद।